नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वास्तु की कुछ 23 बातें बताने वाला हूँ। ये जो बातें हैं दोस्तों, ये 23 बातें मतलब वास्तु उपाय है। इसमें आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाले हैं। आपके अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, आपके कुछ प्रमोशन के रिलेटेड हो, या फिर घर में हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें मैंने कवर करने का ट्राई किया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले घर की मुख्य दिशाएं जो है ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये हो गई घर की मुख्य दिशाएं। तो सबसे पहली बात कौन सी है? सबसे पहली बात यह है कि घर का जो मुख्य द्वार है ये किसी भी दिशा में हो, आपका ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो या वेस्ट में हो, किसी भी दिशा में आपका प्रवेश द्वार हो, ये सबसे बड़ा माध्यम है घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आने के लिए। यानी कि गलत जगह पे वास्तु द्वार है तो गलत ऊर्जा घर में आएगी, सही जगह पे है तो सही प्रकार की ऊर्जा घर में आएगी। तो इस प्रकार से जो है घर का मुख्य द्वार आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। अभी ये गलत है, सही है, ये तो हम बाद में रखेंगे, लेकिन जो है उसको हम कैसा अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आपके दरवाजे के ऊपर आपको एक स्वस्तिक बनाना है आपके फोरहेड के लेवल पे। दोस्तों, ये जो स्वस्तिक है ये आपको तेल में सिंदूर मिलाकर करना है। सिंदूर, तेल, और ये आप आपके किसी त्योहार के दिन भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, या फिर पंचांग में आप शुभ दिन देखिए, उस दिन सवेरे आपका नहाना होने के बाद आपको ये करना है कि आपके मेन डोर पे आपको ये सिंदूर में तेल मिलाकर ये स्वस्तिक निकालना है। तो ये स्वस्तिक जो है ये एक तो होली सिंबल है, ये आपके घर में निगेटिव एनर्जी आने से रोकता है, और सिंदूर और तेल ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है यहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा वाला स्वस्तिक आपको आपके मेन डोर पे निकालना है। धन देवता कुबेर जो है, कुबेर देवता की दिशा है नॉर्थ। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है दोस्तों, इसे कुबेर की दिशा मानते हैं। कुबेर देवता ये पैसे के रिलेटेड है, आपके जो ऑर्नामेंट्स यानी के जो गहने वगैरह है, ये इन सभी चीजों के रिलेटेड है, इनके देवता है कुबेर देवता। तो नॉर्थ हमेशा क्लीन रखना है, यहाँ पर पानी होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ एक्सेस में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये जो है इस एक्सेस में, अगर यहाँ पर दूसरा किसी का घर है इस साइड में, तो आपको यहाँ पर है ना पानी किधर तो भी रखना है आपके घर में, बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर वेंटिलेशन नहीं है, नॉर्थ कम्प्लीटली ब्लॉक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे या जॉब लॉस, ये सभी चीजें मन में भय रहना। तो नॉर्थ को आपको एनर्जी इनहांस करने के लिए आपको यहाँ पर जो है पानी भर के रखना है एक लोटे में। तो ये मोस्टली आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो अच्छा है, नॉर्थ में रखते हो तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वॉल पे आप ब्लू कलर यूज करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का एनर्जी इनहांस होता है। आपका जो बैंक अकाउंट होता है इसमें समझो धोखाधड़ी या फिर कुछ पैसे कटना हमेशा, या आपको विदेश यात्रा में डिले होना, ये सभी चीजें जो होती है, वो आप हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना है, या फिर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, या कानून रिलेटेड कुछ समस्याएं है, तो इसके लिए जो है दोस्तों, तो इसके लिए जो है नॉर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा है। आपको नॉर्थ को क्लियर रखना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से एनर्जी इनहांस करना है इन सभी चीजों के लिए। घर का उत्तर पूर्व, ये जो है यहाँ पर आपको कूड़ा कचरा नहीं डालना है, यानी कि यह घर का ईशान कोण है। पुराने गले कपड़े, सड़े हुए कपड़े या फिर जो भी है यहाँ पर इकट्ठा नहीं करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें यहाँ पर रखने से निगेटिव एनर्जी बना सकते है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं रखना है। खास करके जो घर का ईशान कोण है यहाँ पर तो ये चीजें आपको रखना ही नहीं है।
जो पुराने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है खराब हो गए हैं, चीजें ऐसी चीजें यहाँ पर इकट्ठा करके आपको नहीं रखना है। अगर आप ऐसे रखते हो तो आपको घर में एक दूसरे से बनाव नहीं होगा, घर में कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होती रहेगी, एक दूसरे में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए आप जो है इन चीजों को हटा दीजिए, आप घर की जो है पॉजिटिव एनर्जी को इनहांस कीजिए। घर में पेड़ पौधे लगाना ये बहुत अच्छी बात है और इससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। पूर्व दिशा में अगर आप यहाँ पर पूर्व यानी कि इस साइड में आप अगर गार्डन बनाते हो, घर के पौधे रखते हो, तो बहुत अच्छे से ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को इनहांस करते हैं। घर में कभी भी ऐसे चित्र न लगाए कि जिसमें सुनसान एरिया दिखाया है या फिर लड़ाई झगड़े या फिर कुछ निगेटिव बातें हो या फिर जहाज डूब रहा है। आपको कोई पिक्चर अच्छा लगता है आप उसको लगाने से पहले गौर से देखिए दोस्तों, उस चित्र में कौन सी चीजें दिखाई है, और उसके बाद में ही आप डिसाइड कीजिए कि वो चित्र आप घर में लगा सकते हैं या नहीं लगाना है। तो ऐसे डिसाइड करके ही आप उस चित्र को लगाइए, लेकिन खास करके निगेटिव एनर्जी वाले आपको चित्र नहीं लगाने हैं। आप लगा सकते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, आपको हैप्पी रखेंगे, आपको उस फोटो को देख के एक बहुत अच्छे से एनर्जी आएगी। ऐसे फोटो आप घर में लगा सकते हो। अध्ययन करते वक्त यानी कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग हो, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको आगे कुछ करने के लिए जॉब में प्रोग्रेस के लिए या पढ़ाई के लिए जब भी स्टडी कर रहे हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि आपके पीठ के पीछे कोई विंडो नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये विंडो है, समझिए मैं यहाँ पर W लिखता हूँ विंडो, और आपका स्टडी टेबल विंडो के सामने आपने ऐसा रखा है, आप यहाँ पर बैठे हो, आपका फेसिंग इधर है, तो पीछे विंडो आना ये बहुत गलत बात है। आपके ऑफिस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो हम घर के बारे में देखेंगे कि पढ़ाई करते वक्त आपको गलती से भी ये पोजिशन में नहीं बैठना है, इससे जो है ये कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा और आप आपके पढ़ाई में आगे जल्दी से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। जो जल तत्व संबंधित चित्र है यानी कि आपका जो वाटर इसके रिलेटेड जो भी चीजें है, फोटो हो या फिर कुछ भी हो, ये आपके बेडरूम में नहीं लगाना है। बेडरूम में अगर वाटर रिलेटेड कुछ फोटो या कुछ चीजें है तो उसको बेडरूम से तुरंत हटा दीजिए, इससे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। घर में आप पूजा घर रखना बहुत जरूरी है, ये घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम ये है दोस्तों कि ज्यादा बड़ा पूजा घर आपको घर में नहीं रखना है। घर के हिसाब से ही आप नॉर्मल मीडियम साइज का पूजा घर रखिए और उस मंदिर में भी ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको नहीं रखना है, ये अच्छा नहीं होता है। पूजा स्थल में आपके जो भी पुराने लोग हैं, मतलब कोई गुजर गए हैं दादाजी ये वो, उनके फोटो पूजा घर में नहीं लगाना है। वास्तु एनर्जी के हिसाब से आपको उनके फोटो अगर लगाना है आप लगाइए, ना नहीं कहते हैं वास्तु में, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है यह पितरों का कॉर्नर होता है। आप फोटो लगाते वक्त आपको समझिए ये बेडरूम में लगाना है, तो आप इस बेडरूम के ये साउथ वेस्ट रीजन में आप लगा सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि घर का जो साउथ वेस्ट है इस पोर्शन में आप उनके फोटो किधर भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और उनका ध्यान हमेशा, क्योंकि कैसा है दोस्तों कि अगर गलत एनर्जी जोन में लगाते हैं तो उन पितरों को गति मिलने में प्रॉब्लम आती है, मतलब उनका जो आगे जर्नी होता है उसके लिए वो हमारे इसमें अटक के रहना अच्छी बात नहीं होता है। इसलिए उनको जो प्रॉपर एनर्जी है जिससे उनको गति मिलेगा ये साउथ वेस्ट है, यहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद में जो है दक्षिण पश्चिम यानी सेम साउथ वेस्ट, यहाँ पर क्या नहीं लगाना है, मिरर। मिरर यहाँ पे नहीं लगाना है साउथ वेस्ट में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम यहाँ पर पैसे की अलमारी रखते हैं उसको मिरर होता है, तो आपको ये मिरर एक तो निकाल देना है या फिर उसको आपको कवर करना है पेपर से या कर्टन से, उसको कभी भी खोलना नहीं है। उस मिरर को आप परमानेंटली अगर निकाल सकते हो तो सबसे बढ़िया रेमेडी है, लेकिन साउथ वेस्ट रीजन में मिरर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। घर की दक्षिण दीवार जो है यानी के साउथ, यहाँ पर कभी भी आपको इस दीवार को ब्लू कलर नहीं देना है।
आप बाकी कलर दे सकते हो, रिकमेंडेड कलर है येलो, लेकिन आप बाकी कौन से भी दीजिए, ब्लू कलर नहीं देना है। ब्लू या फिर वाटर एलिमेंट वाले फोटो या कुछ भी रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। साउथ वाले दीवार पे ये आपको ध्यान में रखना है, आपके स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। मैं अभी यहाँ पर आपको चीजें डायरेक्टली बता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके इम्पैक्ट अगर डिटेल में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो साउथ में इस वॉल पे ब्लू कलर आपको नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। दक्षिण दिशा जो है ये यहाँ पर साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ पर अगर हम सोचेंगे तो पूरा ये मंगल ग्रह के अंदर आती है, और मंगल ग्रह जो है ये इस दिशा का सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रह यहाँ पर अगर दोष उत्पन्न होता है तो आपको कानूनी कठिनाइयां ला सकता है, इसलिए यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट नहीं करना है। दक्षिण दिशा के रसोई घर अगर यहाँ पे आपका मतलब साउथ साउथ ईस्ट में नहीं है, आपका इस दिशा में है, तो वो भी एक दोष माना जाता है। तो वहां पर आपको कभी भी ब्लू कलर यहाँ पे यूज नहीं करना है। आपका किचन इधर कहीं पे भी हो, ब्लू कलर आपको किचन में यूज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। घर के दक्षिण में यदि खुलापन है तो उसको दूर करने के लिए मुरली बजाते हुए कृष्ण जी की तस्वीर यहाँ पर लगाना है। समझिए आपका वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है दक्षिण में, तो आप यहाँ पर कहीं पे समझो ये दीवार है, तो इस दीवार पर या ये ऐसे या फिर यही कहीं पे आप कृष्ण जी का मुरली बजाता हुआ फोटो लगा सकते हैं। अगर दक्षिण में आपके मैक्सिमम वेंटिलेशन है तो ये आप कर सकते हैं। पानी की टंकी, बोरिंग, ये जो चीजें हैं इनका तालमेल बहुत जरूरी होता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट, बोरवेल नॉर्थ ईस्ट, ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ यहाँ पे चलता है। लेकिन अगर आपका टॉयलेट यहाँ पे है तो टॉयलेट के ऊपर रखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, या फिर सीढ़ी आपकी यहाँ पर है तो सीढ़ी के ऊपर करते हो तो भी बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ मिरर डायरेक्टली रूम के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक रखने से अच्छा है कि आप अगर टॉयलेट या आपके स्टेप्स के ऊपर रखते हो तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। जिस इमारत का दक्षिण पूर्व में भूमिगत टैंक होता है, तो मतलब यहाँ पर समझिए आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो आपको ये बिल्डिंग रीसेल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बाकी और तो लेडीज हेल्थ रिलेटेड वगैरह इश्यूज वो तो सभी है, लेकिन मेजर है अगर आप रीसेल देखते हो तो आपको जल्दी से उसको कस्टमर नहीं मिलेगा इस दोष की वजह से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर तैयार फ्लैट, बंगला, दुकान या शोरूम आप इनमें से कुछ खरीद रहे हो तो उनका मुख्य द्वार, कमरों के स्थान, पंच तत्वों का संतुलन, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि आपका बेडरूम, पूजा घर और ये किचन, ये बहुत मुख्य चीजें हैं दोस्तों। ये देख के आप देखिए घर का ब्रह्म स्थान जो है ये कहीं दूषित तो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें डक, इसमें टॉयलेट, इसमें स्टेप्स, या फिर ये कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि आपका टेरेस या फिर कुछ चीजें ज्यादा है तो वो साइड में चला जाता है और उसकी वजह से भी दोष क्रिएट होता है, तो वैसा भी नहीं हो रहा है ना, ये आपको कंफर्म करना है। तो ये सभी चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको अब तक कुछ ऐसे 23 बातें बताई है कि ये अगर आप फॉलो करते हैं, ये डायरेक्ट मैंने दोष और उनके रेमेडीज भी इसमें आपको बता दिए हैं जो आप घर के घर में कर सकते हो, तो आप ये कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।